नमस्ते, मैं न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। माई सोल फैमिली, माई व्यूवर्स, माई सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू डियर। आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो चलिए रिलैक्स हो जाइए और इंटेंशन सही रखिए और अपने पर्सन के बारे में सोचिए। कलेक्टिव रीडिंग है और सारे साइन के लोग देख सकते हो, मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सबके लिए है। एनर्जी आपसे जितनी भी रेजोनेट होती है उतना लेना है और बाकी को जाने देना है। तो चलिए अपने पर्सन का नाम लीजिए। अगर आवाज़ आ रही होंगी तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त नवरात्रा की शुरुआत हुई है, माता रानी की पूजा अर्चना चल रही, तो हर जगह से बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। तो ये अच्छी वाइब्रेशन है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है, और ध्यान रखिए और माता रानी को याद कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें वीवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स आज दोपहर की क्या है, उनका दिल और दिमाग, उनका मूड कैसा है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आके दिव्य शक्ति गाइड करें, राधा रानी गाइड करें, कृष्ण गोविंद गाइड करें। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, सर्व मंगल मांगल्ये, शिवे शर्वा शादिके, शरण त्र्यंबके, गौरी नारायणी नमस्ते। सर्व मंगल मांगल्ये, शिवे शर्वादि शादिके, शरण त्र्यंबके, गौरी नारायणी नमस्ते। सर्व मंगल मांगल्ये, शिवे शर्वादि शादिके, शरण त्र्यंबके, गौरी नारायणी नमस्ते। आज दोपहर की एनर्जी, ओ माय गॉड, किस बात से अच्छा, जिद और ईगो, इनका गुस्सा शांत होने वाला है, ठीक है। ट्रैवलिंग, ओ अब इनका जो गुस्सा है, ईगो है, अब आपने अपने प्यार से, अपनी पावर से, अपनी स्ट्रेंथ से इनको निचोड़ दिया है, ठीक है। तो इनके ईगो का और इनके जिद का आपने लेट गो किया है, अब ये चैन चाह रहे हैं करेज और ट्रैवलिंग। वाओ नाइस पॉसिबिलिटीज, वाओ नाइस। एंजल्स प्लीज गाइड करें, कार्ड तो ठीक है, मैं और भी देख लूंगी। व्हाट ऑन द डिक्स, ऑर्डिनरीनेस। एंजल्स जी गाइड कीजिए। चेंज तो आ रहा है आप लोग रिलेशनशिप में, करेज, चेंज, ट्रैवलिंग, ये सब कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, कुछ तो बड़ा चेंज आ रहा है। अगर अब तक आपके पार्टनर जिद पे थे, ईगो से थे, तो अब इनके ईगो का डेथ होने वाला है। दिल कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं प्यार के वादे सारे, झूठे हैं प्यार की रस्में, क्योंकि आपके पर्सन आपके अंदर करेज देख रहे हैं, आपके अंदर चेंज देख रहे हैं, ये चीज़ उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, और ये प्रेशर, ईगो और गुस्सा, जिद के साथ कहीं ना कहीं अब आपके तरफ ईगो, जिद को छोड़कर ये आपके तरफ चेंज भी लाना चाहते हैं। मतलब कि अगर गुस्सा, ईगो इनको आ रहा है तो ये अब चेंज करेंगे। उनको पता है कि अगर आप चेंज हो गए, आप में हिम्मत आ गई, करेज जुट जाएगा आप में, तो आप इनको आपसे मूव ऑन कर दोगे, ब्रेकअप कर दोगे। अब आ रही है आपके पास, अच्छा, बटन प्रेशर एंजाइटी से निकल रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ट्रैवलिंग तो जा रहे हैं, कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज क्यों हैं मैं बताती हूँ, हर हाल में इनको चाहिए बैलेंस इस रिश्ते में। देखिए क्या हो रहा है, इस पर्सन के अंदर गुस्सा, ईगो, बर्डन, डिप्रेशन क्यों हो रहा है, इनको लग रहा है व्यूअर जी कि आप चेंज हो रहे हो और इन्हें मुश्किल हो रहा है, ठीक है, इन्हें अब मुश्किल हो रहा है। अब ये हर हाल में आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, ठीक है, चेंज की एनर्जी है, एंजाइटी हो रही है, लेकिन वो निकलना चाहते हैं, आपको प्यार ऑफर करना चाहते हैं, कन्फ्यूज हैं,
आप बातचीत नहीं कर रहे हो, ना आप उनके तरफ कॉल मैसेज कर रहे हो, ना ही कोई डिसीजन ले रहे हो, ना ही वो एक्शन ले रहे हो। आपके अंदर कुछ परिवर्तन आया, चेंज आया, करेज आया है, उनको लेकर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि अपने ईगो को साइड में इनको रखना ही होगा। ठीक है, इनको इनके ईगो को साइड में रखना ही होगा। भटकाव बहुत है, ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी है, मन नहीं लग रहा है आपके पर्सन को। इस वक्त इधर उधर ट्रैवल भी कर रहे हैं, घूम फिर भी रहे हैं, नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं, मन को बहला रहे हैं, बट डेथ की एनर्जी। अच्छा, ईगो की डेथ होने वाली है, रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होने वाली है, प्यार ऑफर होने वाला है। ठीक है, नॉटी है, ए नॉटी है। ट्रैवलिंग तो यहाँ भी आई है, ट्रैवलिंग की एनर्जी स्ट्रांग है, कॉल मैसेज आ सकता है, आ रहे हैं वो, देखिए आ रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी तो यहाँ पे सारे साइन हैं। और मैं कार्ड क्लियर करती हूँ, पहले मैं यहाँ देख लूँ। ठीक है, देखिए इनके मन में हो सकता है बहुत ही जिद्दी इंसान है। ठीक है, और देखिए बर्डन है, प्रेशर है, सबसे बड़ी ये जो दर्द इन्हें हो रहा है, ये जो इन्हें प्रेशर हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके व्यवहार से, आपके चेंजेस से, आपके करेज, जो आपके अंदर जो कुछ स्ट्रेंथ आई है, कॉन्फिडेंट आया है आपके अंदर, इस पर्सन को लग रहा है कि भैया अगर आप हाथ से निकल गए तो इनकी पूरी ज़िंदगी धराशाही हो जाएगी। एक तो आप उनके तरफ कोई एक्शन नहीं लेते हो, बातचीत नहीं करते हो, कॉल मैसेज नहीं करते हो, ये ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, बट ये कन्फ्यूज हैं। ठीक है, ये कन्फ्यूज ज़रूर हैं, लेकिन आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि इनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। देखा जाए तो बर्डन प्रेशर भी है, गुस्सा भी है, और इनको अंदर से कंट्रोल भी नहीं हो रहा। ठीक है, इन्हें अंदर से कंट्रोल भी नहीं हो रहा, अब ये चेंज लेकर आना चाह रहे हैं। ईगो की वजह से, जिद की वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत कुछ छुपाई है। देखिए इनके मन में देखा जाए तो अभी भी किसी टाइप की एनर्जी है उनके मन में जो चल रहा है आपको लेकर, या फिर आप कुछ छुपा रहे हो। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए ट्रैवलिंग और इस यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी, तो ये करेज, ये चेंज आपके अंदर कहाँ से आया है? आप तो इनके मन में थोड़ा सा चलता ही है, कुछ तो नेगेटिव थॉट चलता ही, भैया ये हाथ से निकल गया, निकल गई तो मेरी तो बाट लग जाएगी। तो कहीं तुम्हारे लाइफ में कोई आ तो नहीं गया, कोई ऑप्शन तो नहीं है, मुझे जानने की ज़रूरत है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, समय सपोर्ट नहीं करा, करियर अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, करता हूँ, करती हूँ। ठीक है, लेकिन इस वक्त इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं एक डर बैठा है कि आपके लाइफ में कोई ऑप्शन है, या आप इनसे दूर जा रहे हो, और काफ़ी आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। डेथ की एनर्जी, चेंज की एनर्जी, करेज की एनर्जी, ट्रैवलिंग की एनर्जी। पहले आप काफ़ी बर्डन लिया करते थे, प्रेशर लिया करते थे, ठीक है, अब आप इतने आपको कंट्रोल कैसे कर रहे हो? क्या सक्सेस आपके हाथ से लग गए हैं? ये अपने जिद स्वभाव को लेकर ये बर्डन फील कर रहे हैं, लेकिन इन्हें एंजाइटी अंदर से गिल्ट और सॉरी भी फील कर रहे हैं। दर्द है, घुटन है, दर्द है, घुटन है, लेकिन क्या करूं, ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आया? हो सकता आपके अंदर मतलब एक करेज आया हो, बात आप कंट्रोल करने लगे हो, कॉल मैसेज आप नहीं करते हो, जल्दी आप रिप्लाई नहीं करते हो। ठीक है, अब इनको क्या लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो कहीं ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो जाएगा? देखिए ये बंदा प्रैक्टिकल सोचने वाला है, नो डाउट, लेकिन फिर भी आज देखिए इनके मन का डर। ठीक है, आप तो कुछ नहीं छुपा रहे हो, भैया मुझे तो अब क्लियरिटी चाहिए, कुछ भी हो मुझे बैलेंस चाहिए और मुझे बात करना है। तो इनके मन में ईगो, जिद की वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे डिस्टेंस किया है, बट इनके मन में तो डर है ना आपके चेंजेस आने से, ये इन्हें जानने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे व्यूवर्स, अगर आप उनके तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो, तो ट्रैवलिंग की एनर्जी ये कॉल मैसेज करेंगे और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर वो कॉल मैसेज कर आपको मिलने को बुला सकते हैं। लगातार आप कप्स की एनर्जी, लगातार आपको आप
इस प्यार को याद कर रहे हैं, पैशनेट एनर्जी भी है और ये पर्सन आपको ऑफर करने की सोच रहे हैं, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन, ठीक है। लेकिन अगर ये स्टेबिलिटी आपको नहीं दे पा रहे, इसके बारे में भी सोचें कि कैसे तुम्हें स्टेबिलिटी दूं। मन में डर आएगा तो अब तो लगता है ना इंसान को, अरे भैया मेरे हाथ से अब चला जाएगा, चला ही मेरी जिंदगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं कैसे क्या करूं कि तुम्हें स्टेबिलिटी दूं। गुस्से को कम करना चाहता हूँ, ईगो को कम करना चाहता हूँ, बर्डन को कम करना चाहता हूँ, जैसे भी हो मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, क्योंकि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, देखिए सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि ये पर्सन जो है मतलब करेगा, ये आपके लिए बहुत कुछ करेगा या करेगी, लेकिन क्या होता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाता, चाहे वो कुछ भी करना पड़े। हाँ जिद है, ईगो है, बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो देखिए सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं लेकिन आपकी नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपको कैसे वो खुशियाँ दूँ, कैसे सारी विशेष पूरी करूँ। तो ये पर्सन आपके बारे में, अपने करियर के बारे में, ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। और देखिए फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह रही है कि बैलेंस तो वो चाह रहे हैं, बट ये जो एनर्जी है फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को लेकर, इनके लाइफ में कुछ गोल्स हैं जो पूरे नहीं हो रहे हैं, या अब्रॉड से रिलेटेड कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर समय इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए आपको स्टेबिलिटी ऑफर नहीं कर रहे हैं। आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ इन्होंने सोच के रखी है बट आपको दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको देना चाहते, ये एनर्जी कह रही है। आपको बहुत प्यार करते हैं, समय सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए सो नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको लगता है कि ये ईगो से डील कर रहे हैं। देखिए आपके पर्सन एक नई शुरुआत चाह रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं, फीलिंग्स को अगर ये छुपा रहे हैं, देखिए इनके मन में डर है। अब ये गाना भी देखिए, डर है मुझे तुझसे बिछड़ ना जाऊं, मतलब इनके मन में इतना तेजी से तो देखिए इनके मन में डर क्या हो रहा है, बस अब ये रिश्ता कहीं खत्म तो नहीं हो गया, तो इस तरह की चीजें आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आ रहे हैं। देखिए दर्द इन्हें भी हो रहा है, गुस्सा इन्हें भी आ रहा है, बर्डन इन्हें भी हो रहा है, ये रात भर सो नहीं पाता है। बंदा ये कहना चाहता है कि मैं इतना प्रेशर महसूस करता हूँ, इतना एंजाइटी में चला गया हूँ, ये मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है, मैं तुम्हें कैसे वो खुशियाँ दूँ, कैसे वो मैं स्टेबिलिटी ऑफर करूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, हिम्मत जुटा रहा हूँ, लेकिन इस रिलेशनशिप में चेंजेस लेकर आना चाहता हूँ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत अपने आप से अपने आप की फीलिंग्स को छुपा रहा हूँ, तुमसे बातें छुपा रहा हूँ कि मेरी क्या हालत है, शायद तुम्हें महसूस नहीं होगा कि मैं किस हालात में हूँ। तुम्हारे बदलते व्यवहार को लेकर कहीं ना कहीं मेरे मन में एक डर आया है कि कोई और तुम्हारी ज़िंदगी में तो नहीं आया है, तुम मुझसे दूर तो नहीं हो रही हो, कहीं मेरे साथ गलत तो नहीं हो रहा है, अगर मैंने तुम्हारे साथ झूठ बोला है, धोखा दिया है, तो मैं समझ सकता हूँ, उसके लिए मैं रिग्रेट फील कर रहा हूँ, जिसके वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ, अपने जिद को, अपने ईगो को, अपने प्रेशर को कम करना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ, मेरे अंदर बहुत भटकाव हो रहे हैं, मैं भटक रहा हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल अधूरा हूँ। तो ये पर्सन कंप्लीशन की एनर्जी में है, आपको देना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जरूर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके तरफ इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं और फ्यूचर आने वाले टाइम के लिए ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं जो आपसे बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हैं, वो काफ़ी बातें अभी भी छुपा रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है कि उनके अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि उनके मन में जो डर आया आपके प्रति, इन्हें लग रहा है कि अब और नहीं, बहुत हो चुका, मैं खोना नहीं चाहता, क्योंकि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, रात पूरी रात जागता हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस होता है, मैं सो नहीं पाता हूँ, नहीं पाती हूँ, क्योंकि ये भी कहना चाहते कि मैं तुम्हें क्लियरिटी नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ, सक्सेस चाहता हूँ। देखिए इस पर्सन में रह रहे कर इनके अंदर ईगो और जिद भी आता है, क्योंकि इनके अच्छे काम नहीं हो रहे, क्यों ये सॉरी फील कर रहे हैं, क्यों इन्हें एंजाइटी हो रहा है, क्योंकि ये बर्डन प्रेशर से इनको नींद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने आपके साथ चीट किया है, बातें छुपाई है, और ये अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है आपके रिश्ते का, ये बहुत ही अच्छा हो रहा है। आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट इन्हें चाहिए, इनकी स्ट्रेंथ आप हो, ठीक है, उनकी पावर आप हो, और बहुत सारे व्यूअर्स इनकी ज़िंदगी आपके बगैर अधूरी है, ठीक है। तो इनके मन में बहुत ज़्यादा भटकाव है, खटक रहा है, डर हो गया कि कहीं आप उनसे दूर तो नहीं जा रहे हो सकता कुछ वर्ष आप ट्रैवल भी करते हो या ट्रैवल कर रहे हो, ये बातें लेकर भी
उनके मन में डर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इनके डर और खटक रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे, क्योंकि आप में काफ़ी चेंजेस आए, यानी आपने कंट्रोल किया है, उनको कॉल मैसेज नहीं करते हो, ना ही उनको पैम्पर करते हो। कुछ व्यूअर्स की एनर्जी है कि आपके अंदर बहुत करेज आया है, अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें हैं, लेकिन दर्द उन्हें हो रहा है। कम से कम इतना एहसास तो हुआ कि इनके ईगो और जिद की वजह से इनके साथ क्या कुछ घटित हो रहा है। आप उनसे दूर जा रहे हो, आप उनसे छुपा रहे हो, आप चेंज हो रहे हो, आपके अंदर हिम्मत आए, जो आप जो चाहते थे, रोते थे, पकड़ते थे, पैर पकड़ते थे, कॉल करते थे, उन्हें कंट्रोल करते थे, आप नहीं करते हो। या फिर आप स्टेटस लगाते हो, डीपी लगाते हो, या फिर खुद को कंट्रोल करते हो। अब तो इन्हें लग रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो और ये रिश्ता तो अब रिश्ते का एंडिंग तो नहीं हो गया, लेकिन जो प्रैक्टिकल सोचने वाला इंसान है उनकी हालत हो गई है टाइम टाइम फेस। ठीक है, यहाँ पे अब देख रहे हैं कि आपको मतलब आपके बारे में कैसे तुम्हें समझाऊं और कैसे तुम्हें स्टेबिलिटी ऑफर करूं, इसके बारे में जरूर सोचता हूं या सोचती हूं। काफ़ी फील करें आपको लेकर। देखिए, आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है, कहीं ना कहीं धोखे, चीट और डर जरूर आया है। अब देखिए इस पर्सन के अंदर अब कैसे करे जा रहा है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि अभी भी आपके पार्टनर पूरी तरह ये नहीं है, लेकिन आपको मतलब आपके बारे में सोच कर ये थोड़ा कन्फ्यूज है। इनके माइंड में दो बातें चल रही हैं आपके। देखिए यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स है, यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स है, पर इनके दिमाग में आपके बदलाव क्यों आए हैं, मतलब कहा जाता है ना, आपके बदलाव में जो बदलाव आया है उसका प्रभाव इनके ऊपर जबरदस्त पड़ रहा है। अब ये काफ़ी कंफ्यूज है, जगल कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे ठीक करूँ। अब ये पर्सन इस एनर्जी में है, ठीक है, तो ये पर्सन की हालत हो गई खराब। अब आ रहे हैं आपके पास, ऑफर कर रहे हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। अब तो डर है मुझे तुझसे बिछड़ना जाऊं, भैया मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूँ। एक्शन भी देख लेती हूँ, इस कार्ड से भी देख लेती हूँ, पहले कार्ड लगा देती हूँ। पैशनेट काफ़ी फील कर रहे हैं, देखिए मन में डर को ख़त्म कर रहे हैं, और देखिए मन के डर को ख़त्म कर रहे हैं, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी। और ये फादर फिगर, मदर फिगर या कोई फीमेल है जिसके वजह से इनका दिल टूटा है, और ये उन लोगों से ईगो से डील कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे कि आपके पर्सन आपके लिए कितना किससे लड़ते हैं, क्यों इनके अंदर जिद आता है, तो क्योंकि ये कुछ अब डिसीजन लेना चाहते हैं थर्ड पार्टी से रिलेटेड। आप देख रहे हो यहाँ पे द एम्परर, फाइव ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ सोर्स। ओहो, अब इनको अब देखिए क्या हो रहा है, अब आपसे आपको खोने का डर, क्योंकि इनको तो थर्ड पार्टी निचोड़ रही है। अब देखिए ये कोई फादर भी है, फादर फिगर भी है, कोई फीमेल है, कोई मेल है, आप लोग रिलेशनशिप जो कि थर्ड पार्टी है, इनसे वो ईगो से डील कर रहे हैं और इसलिए हिम्मत जुट रहा है कि वो आपके तरफ आ रहे हैं। ये सब भी चेंजेस आता है डियर तब आता है कि आपके अंदर वो करेज आता है। जब आपके अंदर करेज आता है तो बहुत कुछ बदलाव आता है आपके पार्टनर के लाइफ में, उनके दिल और दिमाग में, समझिए। जब आपके अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं तो कुछ क्या, बहुत कुछ बदलाव आता है। अब देखिए कि इस एनर्जी में आप देख सकते हो आपके लिए लॉयल है, थर्ड पार्टी से पेनफुल सिचुएशन है, ईगो से डील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी से फैमिली हो, पेरेंट्स हो या कोई और हो, यहाँ फीमेल भी है, मेल भी है, तो ये जो भी हो, फादर फिगर हो, मदर हो, मदर फिगर हो, इनसे इनकी पार्टनरी, इनका दिल तोड़ा जा रहा है। ये पर्सन आपके रिलेशनशिप में, आप दोनों के रिलेशनशिप में एक चेंज लेकर आना चाहते हैं, और ईगो जिद की वजह से इन्होंने क्या खोया है, इस वजह से ये कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से, या फादर हो, मदर हो, जो भी हो, फीमेल जो भी इनके लाइफ में है, उनसे ये ईगो से डील कर रहे हैं, और उनके वजह से ज़्यादा एंजाइटी भी, क्योंकि ये आपके साथ आगे चलना चाहते हैं, ये लोग नहीं चाहते कि आप दोनों का मिलन हो, आप दोनों का साथ हो। ठीक है, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे छुपाई हैं, लेकिन आपके पास आके बैलेंस कर कहीं ना कहीं इनके अंदर काफ़ी चेंजेस आएंगे, ऐसा वो फील कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे व्यूअर्स जी, आपके पार्टनर ये अंदर करेज आ रहा है, हिम्मत आ रहा है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू आ गई। आप देख रहे हो कि क्या कुछ एनर्जी निकल कर आया है, सबसे ईगो फाइट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये आपके पर्सन है, ये फादर फिगर है, ये क्वीन ऑफ सोर्स, कोई मदर फिगर है, कोई फीमेल है, ठीक है, यहाँ थ्री ऑफ सोर्स है, तो किसी के लाइफ में कोई और भी पार्टनर हो सकते हैं, या कोई और आपके लोग के बीच में है, जिससे आपके पार्टनर उनसे ईगो से डील करें। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यहाँ लॉयल है और आपसे ये मिलना चाहते हैं। ठीक है, सबसे हटने की कोशिश कर रहे हैं सब। अब इनकी हिम्मत क्यों आ रही, लग रहा इन्हें और ईगो को सब कुछ साइड में सब छोड़ छाड़ कर ये जिद पर अब आपके तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना इनकी ज़िंदगी क्या है। इन्हें ज्ञान और ये हो रहा है, ज्ञान मैं कह रही हूँ, ज्ञान तो होता ही है, स्पिरिचुअल जर्नी में तो ज्ञान होता ही है,
न्यू बिगनिंग होने वाली, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंज आ रहा है। भैया आपको खोकर तो इनकी जिंदगी पता है कैसी हो जानी है, इन्हें अनुभव तो हुआ ना, किसी की सच्चाई भी तो सामने आ रही है, देख रहे हो, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई भी हो, लेकिन यहाँ आपके पार्टनर आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके लाइफ की परिस्थिति ठीक नहीं, इसलिए आपको स्टेबिलिटी ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपसे वो प्यार करते हैं। उनको बहुत फर्क पड़ रहा है आपके ना होने से, आपसे बात ना करने से, एक कमी सी है, सो नहीं पा रहा हूँ, ये आपसे कहना चाहते हैं। ओ, एज अ पेंटिकल्स विश फुलफिलमेंट की एनर्जी। अब बोलिए, देखिए ये बातें छुपा रहे हैं, पहली एनर्जी नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी, बातें छुपा जरूर रहे हैं लेकिन ये विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, बहुत सारे व्यूअर्स आपकी विश पूरी होने वाली है, ठीक है। द हर्मिट मुंह से निकल रहे हैं, अभी दुखी उदास हैं लेकिन आ रहे हैं। थर्ड देखिए, द मून की एनर्जी, मिसिंग एनर्जी, लेकिन उनके लाइफ की सिचुएशन सही नहीं है। तीन तिगड़ा काम बिगड़ा, जजमेंट, कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, गॉड से हेल्प ले रहे हैं, स्टार विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। देखिए अपने लाइफ में फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी, आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इनका दिल टूट चुका है और ये दिल कहीं ना कहीं आपके लिए धड़कता है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, चलिए वो आ रहे हैं, एक नई शुरुआत, डेथ और रिबर्थ, एक नई शुरुआत होने जा रही है आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी में, तो आपने देख लिया एक नई शुरुआत, सक्सेस, एक्शन, सब कुछ आ रहा है। हाँ कुछ लोग हैं बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रांग आया है, क्योंकि यहाँ पे द मून की एनर्जी आ गई है, इस वक्त आपके पर्सन दुखी हैं, आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन एक नई शुरुआत ये बिल्कुल चाह रहे हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स, आपकी विश पूरी होने वाली है और यहाँ पे आप लोग के रिश्ते में डेथ रिवर्थ, एक नई शुरुआत होने वाली, मुझे लग रही है किसी कार्मिक की भी एंडिंग मुझे दिखाई, क्योंकि 30 नंबर है, आप देख सकते हो कर्मा से रिलेटेड है। तो इस वक्त कुछ व्यूअर्स आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है, डिवाइन आपके साथ है, आपके ऊपर एंजेलिक ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, आपके रिश्ते में आपके अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ऐसी एनर्जी। तो बहुत सारी व्यूअर्स आपकी विश पूरी होने वाली है, लेकिन द स्टार की एनर्जी है, आपकी यादों में ही आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है एक बड़ा चेंज आ रहा है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स तो वैसे 10 ही की एनर्जी आई है, 10 की वाइब्रेशन, क्योंकि एक साइकिल आप लोग की कंप्लीट हो रही है, आपके रिलेशनशिप के और आपके अंदर सोल का भी, क्योंकि सोल ये भी कह रहा है रिवर्थ, आपके बॉडी माइंड सोल का भी हो रहा है, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रहा है, आपके अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपके रिश्ते का भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जहां डेथ के बाद एक रिवर्थ होता है। इन्फिनिटी क्या है जिसका कभी एंड ना हो, ठीक है। तो चलिए ये है आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की, बहुत सारे व्यूअर्स जी आपके पार्टनर एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन आपके बदलाव से वो सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सबको छोड़ सकते हैं बट आपको नहीं छोड़ सकते, आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू हुई है यहाँ पे, आपकी यहाँ पे वैल्यू हुई है, आपकी वैल्यू हुई है, क्योंकि आप देख रहे हो थर्ड पार्टी के साथ द एम्परर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, उसके बाद बीच में आए फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कहने का मतलब सबसे ये फाइट झगड़ा कर सकते हैं लेकिन अब आपसे नहीं। तो ये है आज दोपहर की एनर्जी, आ रहे हैं वो, उनको बदलने दीजिए, चेंज लाने दीजिए, हर मूड से निकलने दीजिए, ठीक है। प्रेशर बर्डन कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि 10 नंबर यहाँ मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 10 नंबर और 9 नंबर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक कंप्लीशन आता हुआ हार्मनी यहाँ पे दिख रहा है। तो बहुत सारे व्यूअर्स, अगर आपके तरफ कॉल मैसेज भी आने वाला, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके तरफ कॉल मैसेज भी आने वाला है, जिन लोगों की कॉल मैसेज आ गई है तो जरूर कमेंट में लिखिएगा, बात और मुलाकात दोनों ही होने वाली है बहुत जल्द, ठीक है। 9 नंबर 10 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, मैनिफेस्ट कीजिए, दुआ कीजिए, माता रानी आपके साथ है, एंजल्स, यूनिवर्स आपके साथ हैं, क्योंकि आप देख सकते हो जजमेंट की एनर्जी, दुआ कर रहे हैं, कुछ डिसीजन लेना है, तो आप भी दुआ करो, अपने सोल, अपने माइंड को भी थोड़ा सा फ्रीडम दो, क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है 20 नंबर, यहाँ पे आप देख रहे हो एक सोल निकल कर फ्रीडम खोजा है, बस आपकी भी अंदर वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके माइंड बॉडी सोल की भी जो कार्मिक कनेक्शन है, कर्मा है, ये सब मुझे लग रहा है कि अब एक प्रकाश की तरह आपके ऊपर आप
ब्लेसिंग्स आ रहा है, तो आप यहाँ पे गॉड से हेल्प लीजिए, दुआ कीजिए, सारी विश जरूर पूरे के माता रानी का दिन है, सारे ब्लॉकेज रिलीज हो जाएंगे। बस दुआ कीजिए, विश्वास रखिए और लाइफ में आगे बढ़िए। बहुत सारे व्यूवर्स आपकी विश पूरी होने वाली है, आपके पार्टनर अब आपके तरफ बढ़ने वाले हैं, थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं, ईगो की डेथ हो रही है, ये अपने प्यार को पाना चाहते हैं, सबसे अलग हटकर आपको पूरी अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।